राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम जंगल और जनकपुर भाग 1। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि अयोध्या के एक राजा थे दशरथ, न्यायप्रिय और प्रजापालक, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इसके लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उन्हें संतान प्राप्त हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब ये बड़े हुए तो राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे और राजा से अनुरोध किया कि वे राम को उनके साथ भेजें ताकि वो राक्षसी ताड़का का वध कर सके जो उनके यज्ञ में विघ्न डाल रही है। पहले तो यह प्रस्ताव सुनकर राजा दशरथ आशंकित हो जाते हैं कि कहीं राम का कोई अमंगल ना हो जाए, किंतु सबके समझाने पर वो राम और लक्ष्मण दोनों को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। अयोध्या के राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे नदी के घुमावों के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। जी गुरुवर। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को
बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वो डरावना भी था, हर ओर से झींगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वो यही रहती है। तुम्हें वो खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। जो आज्ञा मुनिवर। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा।
जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर-उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया। उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वो गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। राम मुनिवर, उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वो दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वो ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार।
अनुष्ठान का अंतिम दिन। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था। यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वो मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, नीरज शर्मा, विजय कुमार सिन्हा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।